जय दोस्तों, आपने ग्रैंड मास्टर सैफू जी यानी उनका नाम है शौर्य भरद्वाज। वंदे मातरम। इंडियन आर्मी की अल्ट्रा मैराथन टीम है जो कि लौट रही थी हिमाचल से चैंपियनशिप जीत के। वहां से लौटते में पंजाब में भरतगढ़ करके एक जगह है जो रोपड़ के पास पड़ती है, वहां पर ढाबे में अल्पाइन करके एक ढाबा है, उसके लोगों ने मारपीट की हमारे इन बंदों के साथ जो कि एक मेजर सचिन है और उसके साथ सचिन के साथ जो बाकी पूरी टीम थी जो कि लद्दाख स्काउट की टीम थी उनके साथ मारा पीटी हुई। किस बात पे? एक बार जो पे से बिल कर दिया, यूपीआई से बिल करने के बाद और कैश मांगा गया तो वहां पर जो भी हुआ, इस बंदे ने जो ढाबे का जो भी मालिक था उसने 30 बंदे इकट्ठे किए, रॉड से मेजर सचिन को रॉड से मारा गया। यार दिस टीम वॉज लेड बाय पैराट्रूपर। पैराट्रूपर्स अगर अपनी पे आ गए तो क्या करते? प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे इधर ओए की करते यार ये बंदे अपने, हाँ सारे सिकाणू सारे पंजाब वाले ने ना इज्जत नु माड़ा कर देने। आपने वीडियो सुना होगा जो कि देशभक्ति देशभक्ति ऊपर ललकारते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि जिंदा लाश की तरह नहीं रहना है और देश की सुरक्षा और देश का सम्मान आज फौज के हाथों में, और उसी फौज को हमारे कुछ लोग इतना बुरी तरह पीटते हैं, उनके साथ इतनी यातनाएं करते हैं। और ये मामला परसों कहा है 11 तारीख को जो हमने आपको साथ चलाया था उसमें सीधा सीधा कहा था कि रोपड़ के पास ढाबे की भीड़ ने भारतीय सेना की अल्ट्रा मैराथन टीम पर लोहे की छड़ों से हमला किया और उसमें एक मेजर सचिन सिंह कुंतल को लोहे की रॉड से घायल किया गया। क्या इतनी दादागिरी है? क्या इतनी सब कुछ है? यानी खबर जैसा कि आपके ऊपर एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो गई, लेकिन ये काफी है। हमारे लोग ट्यूट कर रहे हैं, हमारे लोग ट्यूट कर रहे हैं, आखिर इस देश में हो क्या रहा है? यानी एक सेना है जिसके ऊपर दुनिया भरोसा करती है, हमारे लोग भरोसा करते हैं, इनोसेंट लोग भरोसा करते हैं, और ये यानी जो अल्पालाइन ढाबे का मालिक है इसका भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उसको भी लताड़ रहे हैं, लोगों को भी लताड़ रहे हैं, मीडिया को भी लताड़ रहे हैं। ये दोनों ने तुम लोग को शर्म नहीं आता? साढ़े भी पुता यार फौज की करते हो यार। ये बंदे जो है हाथ चला रहे हैं किसके ऊपर? फौज के ऊपर। एक वो टीम जो जीत के आ रही है भारत के लिए, एक वो टीम जो उन्हें तो अपना यार इंडियन आर्मी अगर अपनी पे आ जाती। यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि पता नहीं क्या क्या सारा पूरा देश बायकॉट करने लगता है। अब यहाँ पर ये है कि जितने वेटरन्स और ये सब इनको बायकॉट करना चाहिए। अगर फौज ने अपने हिसाब से जवाब दिया होता पूरी, वहां से एक आध यूनिट एक दो टन तीन टन आ चुकी होती कुटाई होती, फिर क्या बोलते कि फौज अपनी तनाशाही करती? यहाँ प्रॉब्लम है। अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि कौन इस पर क्या रिएक्ट करता है, लेकिन इस पर ना सब चुप है। क्यों नहीं? मीडिया इस पर कुछ नहीं बताएगा क्या? इस बारे में 11 तारीख को हुआ क्या किसी ने कोई संज्ञान लिया? क्या किसी ने इसके बारे में कोई चर्चा भी हुई? नहीं। क्यों चर्चा होगी? यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि हम चुप्पी साधे हुए ना, सब चुप्पी साधे हैं। लाशों का वतन मत बनो यारों। ये दोनों ने कहा ये सेना चाहे तो तुम्हारे मुंह पे अभी तमाचा मारे। फिर आप कहोगे सैनिक आ गए। अब सैनिक का वही करना चाहिए कि दो चार गाड़ी भर के सैनिक आए एक यूनिट और तुम्हें बिल्कुल है ना ऐसा सबक सिखाए कि बहुत दिनों तक याद रहेगा, और ऐसा सबक सिखाया भी है। और जैसे ही कि लोग आप देख रहे पुराने हमारे सेना के अधिकारी सब कह रहे हैं गुड ऑफ ओल्ड डेज कुड नॉट बी इन बेटर, उनको व्हाट इज है डिसरेस्पेक्टफुल एंड सेवलेस ऑफ बिहेवियर ऑफ सिटीजन एंड पुलिस। उनका है गुड ओल्ड एज द स्टेशन कमांडर वो हैंड इंश्योर दैट द बॉडी ट्रूप्स देयर, और उन्होंने कहा है कि ढाबा वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब सब कुछ आए तहस-नहस कर दे, इनको बर्बाद कर दे, तब उनको याद रहेगा मऊ में हमने क्या किया है, आगरा में हमने सबक सिखाया है। हमें सबक सिखा रहा आता है एकदम दुश्मन से लड़ सकते हैं, सबसे लड़ सकते हैं, तो अपनी रक्षा करने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि गलत मैसेज न जाए। कर्नल अमित साहब कहने आए एग्री सर देयर इज एन इंक्रीज इन यस मैन, और उनका टाइगर आर आइदर लिविंग फॉर उनका डिमिनिशिंग, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, तमाम एक शर्मनाक एक हादसा हुआ है, बहुत शर्मनाक हुआ है, और इसके लिए आगे आना होगा। इसके लिए एक किसी भी यानी बड़े नेता ने बड़े मीडिया ने बड़े लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स करना नहीं चाहा, ना ही कोई नेशनल मीडिया इसको दिखा रही, ना ही इसकी कोई कवरेज दे रही। क्यों? कि ये पहले से इनका उन्होंने कहा इसकी सेंसर नहीं दी होगी, क्योंकि इस समय हवा किसकी कब खराब हो जाए इसलिए जनता तक ये बात न पहुंचे, लेकिन आम जनता तक हमारी बात इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाने के लिए आपने बात किया कि कर्नल अमित साहब ने सैफू जी को ये फोन किया है, और वो अपनी धमाकेदार आवाज में अपनी देशभक्ति और जज्बे के साथ हमारी बात रख रहे हैं। दोस्तों आपने भी इस वीडियो को शेयर करना है, हर जगह ट्वीट करना है, ताकि इस वीडियो नेशनल खबर ये बने, और इसके ऊपर प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं कि प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया, नेताओं की क्या प्रतिक्रिया, और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या वो बायकॉट होगा होटल? क्या उससे इतना ही काफी है? क्या उसको कोई सजा मिलेगी? क्या इतना एफआईआर और फॉर्मेलिटी के बीच में फंस के रह जाएगी? क्या सेना की कोई इज्जत नहीं है? क्या सेना को अपनी मान सम्मान के लिए खुद को उनकी गिरेबान पर हाथ डालना? क्या आप ये पसंद कर तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।